कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को दिख रहा है कि मेरा एक नया लुक है, जाकि आप लोग देख सकते हो कि मैंने साड़ी का आउटफिट पहन रखा है और मैं इस टाइम ना पार्क में हूँ। सो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को ना पूरा मतलब दिखा नहीं पाई कि मैं कैसे साड़ी पहनी यहाँ पे, और मतलब मैं यहाँ पे रील बनाने के लिए आई थी और मतलब मेरा मन था कि मैं यहाँ पे व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ इस वीडियो में, मगर नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया भी है। लेकिन मैं मेरी दो कोचिंग है और इसी वजह से मेरी साइंस वाली कोचिंग नहीं मैं जा सकती हूँ, मैथ वाली कोचिंग मैं आज जाऊँगी। वो 4:30 से है और अभी 3:30 बज चुका है और मैं अब जा नहीं सकती क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। और इसी वजह से मुझे लगा व्लॉग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर ज़्यादा टाइम की वजह से फिर मैं कोचिंग जा नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी छूट गई मेरी कोचिंग और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई और अब बना रही हूँ जब मेरी वीडियो शूट हो गई है। और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये आउटफिट है आज का और हाँ, मैं आप लोगों को फ्लावर्स फ्लावर्स मैंने आज खूब सारी वीडियोस बनाई हैं। मैंने सोचा एक नया लुक मैं चेंज करना चाहती थी। बहुत टाइम से मैं टॉप जीन्स पे वीडियोस बना रही थी, तो फाइनली मैंने ये साड़ी पे बनाया है। और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये लुक मुझे बताइएगा कमेंट में। और ये देखो, मैं आप लोगों को पार्क दिखाती हूँ। यहाँ कोई भी नहीं है इस टाइम, मैं ही हूँ सिर्फ। और ये पार्क मुझे सही भी लगता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। एक्चुअली टिकट पड़ता है ना, इसलिए नहीं आते कोई। यहाँ पे 30 रुपये टिकट है एक पर्सन का, इसी वजह से यहाँ पे लोग फालतू लोग यहाँ पे आते नहीं हैं और फालतू ही लोग डिस्टर्ब करते हैं। और मैं यहाँ पे आई हूँ रील शूट करने के लिए और मुझे लगा कि मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं आते फालतू लोग क्योंकि टिकट पड़ता है यहाँ पे, तो यहीं हम लोग आते हैं, यहीं पे हम लोग शूट करते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं होता और बढ़िया से मेरी रील भी बन जाती है। और यहाँ का पार्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है, देखो कितना ब्यूटीफुल सा ट्री बना है। कौन सा ट्री है नहीं पता, बस इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। मैं शुरुआत का ब्लॉग बनाती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता कि कैसे मैं साड़ी पहन के नहीं आई थी यहाँ पे। यहाँ पे एक घर बना हुआ है, उधर देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पूरा, यहाँ से ग्राउंड है पूरा, वहाँ पे सब चेयर वगैरह सीट्स लगी हुई हैं बैठने के लिए कि कोई यहाँ पे आए तो बैठ सके। और उस साइड वहाँ पे फव्वारे वगैरह रात के टाइम चलते हैं, अभी तो दोपहर का टाइम है। उस टाइम उधर कैंटीन है, ओके। सो मैंने ये इस वीडियो में आप लोगों को छोटा सा दिखा दिया कि मैं ऐसे वीडियो शूट करने आई थी। अब जब जाऊंगी तो भी मतलब ये साड़ी उतार के मतलब चेंज कर लेंगे, जो टॉप जीन्स पहन के आए थे वो पहनेंगे और ये कान के उतार देंगे। देखो मेरे कान के कैसे लग रहे हैं, मिरर लुक है इसमें। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो सब चेहरा थोड़ा सा वैसा हो गया है, पता है। मैंने खूब सारी रील्स बनाई हैं, आप लोग देखिएगा, आज मैं पोस्ट करूंगी।
मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि मैं कुछ नया लुक लाऊं। पहले सोचा था कि अपने हेयर जो हैं उनको स्ट्रेट करवा लूं या कट करवा लूं, फिर मैंने सोचा क्यों बड़े करने हैं मुझे अपने बाल, तो इसी वजह से मैंने सोचा कटवाएंगे नहीं तो सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं। तो साड़ी पहन लिया तो थोड़ा अलग लगेगा, है ना। ओके सो मैं अब क्या ही बताऊँ, अब मैं टाइम भी हो जाएगा थोड़ा, अब घर जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, मैथ वाली कोचिंग अभी है मेरी, साइंस वाली तो निकल ही गई। ओके सो अभी हम चेंज कर लेते हैं ये, और आप लोग देखिएगा रील्स पे हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे बनाई मैंने आज वीडियो, और कैसा लगा लुक ये भी देखिएगा। एक और साड़ी है वो भी मैं जल्दी पहनने वाली हूँ। सो बाय, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। चलो अब चेंज कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आई आज, हम लोगों ने खूब सारी रील शूट करी, फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी क्लिक करी हैं, और क्या। ओके ठीक है, बस करते हैं अब, जितना भी टाइम है फिर अब रेस्ट करते हैं जाके, बाय। कंघा रख लिया? कंघा कंघा वैसे रख लिया, जहाँ तो कुछ भी है, मेरा सारा सामान इसमें रखा हुआ है। नहीं है कंघा, वहां कहीं रखा होगा। कंघा चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरा कंघा खो गया, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खो ही जाता है, एक कंघा तो जाता ही है। तो आप लोग आगे का ये लोकेशन भी देख लो, यहाँ सब बैठे हैं जी। मुझे लगता है यहाँ पे फैमिली मेंबर्स वगैरह जैसे संडे को ज़्यादा आते हैं, आज सैटरडे था ना, तो मैं ही हूँ खाली इस पार्क में समझ लो, और लगता है जैसे कि हम लोग घर पे वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब लोकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी आती है वीडियोस में, और सबसे बड़ी चीज़ है फालतू लोग नहीं आते यहाँ पे टिकट की वजह से। मुझे लगता है कि कंघा वहीं पे होगा, चलो फिर चलते हैं यहाँ पे से हट जाते हैं। मेरा कंघा खो गया था, कॉम खो गया था मेरा। चलो अब जल्दी से चेंज कर लेते हैं। वैसे तो मैं चेंज करने जा रही थी, पता नहीं ये कार किसकी है, मगर मैं यहाँ पे फोटो से खींच रही हूँ, मैंने सोचा खींच लेते हैं स्नैपचैट से।
चलो अब चलते हैं जल्दी से, जल्दी से हम लोग जल्दी से उतार देते हैं। सो हम लोग चेंज कर लिया, जल्दी से इसे पैक कर लेते हैं। बहुत अच्छी जगह है जो चेंज करने वाला है अपार्टमेंट करती हूँ। आंटी जी बहुत अच्छी हैं यहाँ की, जिनका ये रूम है वो इस समय है ही नहीं, इस समय है नहीं, उनका लड़का है छोटा है वो, तो उसने परमिशन भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। घर में तहा देंगे, घर में तहा देते हैं। वो बैग कहाँ गया? ये लो। देखो गाइस, मैं अभी तक बड़ी हो गई थी, मतलब कि साड़ी पहनी थी, अब मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ, बन गई हूँ। ये बिंदी बता रहे थे तो और लगेंगे, हाँ छोटे बच्चे। हाँ हाँ, मैंने चश्मा से तो वीडियो नहीं बनाई थी। चलो गाइस चलते हैं, चप्पल कहाँ रखी है? वहाँ पे रखी है अपनी फिर। तो चलो गाइस चलते हैं, चलिए है हमने डाली थी। देखो गाइस यहाँ पे झूले भी हैं बच्चों के लिए, झूल सकते हैं। देखो ये हाथ में चूड़ी रह गई। तो हम इस पार्क को करते हैं टाटा बाय बाय। क्यों मम्मी? मम्मी ने हमारी खूब वीडियोस बनाई, कैमरामैन जिंदाबाद। ओके सो चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग चलते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ से जाने की बारी है, बाय। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये हमारी स्कूटी है, ये मम्मी टिकट लिया था उसमें थोड़े पैसे बचे थे वो ले रही हैं, और ये देखिए कितने क्यूट से एनिमल्स हैं, ये डक है यहाँ पे, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। एंड इस पार्क को हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं। लेट्स गो, जम बाय बाय पार्क, पार्क को बाय, चलते हैं घर। यहाँ से ना बहुत दूर पड़ता है हमारा घर, क्योंकि ये थोड़ा आउटर में है पार्क।